Hi, this is ATIV Khan from Toyota World and Motors. दोस्तों आज मैं आपके लिए Toyota Yaris ATIV X का फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आया हूँ, brought to you by PakWheels.com. Toyota Yaris का इंतज़ार पाकिस्तान में बड़ी बेताबी से हो रहा था और पाकिस्तान में Toyota Yaris ने रिप्लेस किया है Toyota XLi और Toyota GLi को. दोस्तों मैं आपको गाड़ी का वॉक अराउंड देता हूँ. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फ्रंट. इस गाड़ी में LED DRS दिए गए हैं. अगर हम बात करें हेडलैम्प्स की तो हेलोजिन हेडलैम्प्स दिए गए हैं. गाड़ी में फॉग लैम्प्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं. गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल को अगर आप देखें तो बड़ी वाइड और हॉरिजॉन्टल बार्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है. गाइस अगर हम साइड की बात करें तो साइड में बहुत ही खूबसूरत रिम्स दिए गए हैं, अलॉय रिम्स और टायर 15 इंच का अलॉय रिम और 15 इंच का टायर दिया गया है. अगर हम डोर्स की बात करें तो डोर्स के ऊपर बहुत खूबसूरत से कट्स दिए गए हैं जो कि एयर रेजिस्टेंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं. साइड डोर हैंडल क्रोम के दिए गए हैं. दोस्तों अगर हम रेयर साइड की बात करें तो गाड़ी की जो बैक लाइट्स हैं उसमें बड़ी खूबसूरत LED बार लाइट्स दी गई हैं. बैक रिफ्लेक्टर दिया गया है, हाई माउंट लैंप दिया गया है और इसके ऊपर बड़ा खूबसूरती से इंटीने को प्लेस किया गया है. अगर दोस्तों हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो इसमें 476 लीटर की ट्रंक स्पेस है. आप देख सकते हैं कि इसमें दो बड़े सूटकेस इजीली एडजस्ट हो सकते हैं और साथ ही इसमें स्पेयर व्हील भी दिया गया है. इस गाड़ी का इंजन बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट है. 4-सिलेंडर इनलाइन 16 वॉल्व डबल ओवर कैम विद ड्यूल VVT-i टेक्नोलॉजी. गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो 16-17 किलोमीटर है इन 1 लीटर. अगर हम इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी में कीलेस एंट्री का फीचर दिया गया है. दोस्तों गाड़ी में बैठते ही एक आपको वाओ फीलिंग आएगी. अगर हम गाड़ी के कुशन्स की बात करें तो ये नहायत ही कंफर्टेबल हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है. अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील में तमाम असेंशियल कंट्रोल्स हैं जो कि ड्राइवर को रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग. साथ ही अगर देखें तो पुश स्टार्ट का फीचर दिया गया है. जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो टोयोटा यारिस आपको वेलकम करती है ऑन द स्क्रीन. गाड़ी का जो मीटर है वो ऑप्टीट्रॉन मीटर है. गाड़ी में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है जिसमें गाड़ी की तमाम इन्फॉर्मेशन उस डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हैं. साथ ही अगर आप देखें तो 6.8 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है विद कैपेसिटिव टच एंड ऑटो AC विद क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है 1.5 वेरिएंट्स के अंदर. अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड की क्वालिटी बहुत ही फाइन है. टोयोटा यारिस में जो इंटीरियर कलर है उसको ब्लैक और बेज बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है. अगर गाड़ी की सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसमें दो एयरबैग्स हैं, एक ड्राइविंग साइड पे और एक पैसेंजर साइड पे. इस गाड़ी में एक फ़ीचर दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि स्लिपरी रोड्स के लिए यूज़ होता है और इसमें VSC व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का फ़ीचर भी दिया गया है. इस गाड़ी में दो मोड्स दिए गए हैं, इको मोड और स्पोर्ट मोड. अगर हम गियर की बात करें तो गियर 7-स्पीड फॉरवर्ड विद CVT-i टेक्नोलॉजी और ट्रिपट्रॉनिक की फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं. आप गाड़ी को मैनुअल और ऑटो दोनों तरीके से ड्राइव कर सकते हैं. गाड़ी में पावर विंडोज़ दी गई हैं और अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें 6 स्पीकर्स दिए गए हैं. वेयर्स अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो गाड़ी में जगह जगह स्टोरेज के लिए कप होल्डर्स दिए गए हैं. और अगर हम लेग रूम की बात करें, अंदर इनर केबिन की बात करें तो मेरी हाइट इज 6'1" और आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही कन्वीनियंटली गाड़ी में बैठा हुआ हूँ. गाइज आप देख सकते हैं कि मैं पीछे बहुत ही ईजीली और कम्फर्टेबल होकर बैठा हुआ हूँ. और साथ ही अगर आप हेड रूम की बात करें तो हेड रूम भी मेरे लिए बहुत ईजी और कम्फर्टेबल है. इस गाड़ी का रेयर फ्लैट फ्लोर है और साथ ही आप देखें इसमें दो चार्जिंग पॉट्स दी गई हैं फॉर कस्टमर और यूज़र कन्वीनियंस. अगर हम प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं टोयोटा यारिस में 6 वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं पाकिस्तान में और उसकी प्राइजेज ये आपके सामने हैं, लेकिन प्राइजेज आर एक्सपेक्टेड टू चेंज ड्यू टू डॉलर एप्रिसिएशन. सो वीएस ये था टोयोटा यारिस का वॉक अराउंड. टोयोटा यारिस पाकिस्तान में 6 वेरिएंट्स में लॉन्च हुई है जिसमें 6 एक्साइटिंग कलर्स हैं. फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप पाक व्हील्स न्यू कार सेक्शन को विजिट कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. कमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगाह कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.